कल मेरी एक फ्रेंड है जिनसे मेरी फोन पे बात हुई, वो बता रही थी कि तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है क्योंकि इससे लेने से बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाता है। अगर ऐसे ही क्वेरीज और ऐसा ही आपके दिमाग में भी कुछ चल रहा है या कोई आपको बता चुकी है, आपकी जानकार या फिर आपकी सलाहकार, कि ऐसा करने से आसानी से नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस बढ़ती है और सर्विक्स का मुंह खुलना स्टार्ट हो जाता है, तो ये सारे डाउट को इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। इनमें से कुछ बातें सच भी हैं और कुछ बातें बिल्कुल बेबुनियादी है जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो चलिए, डिटेल और क्लियर कट जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। हे गाइस, मैं हूँ आप सबके साथ श्वेता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। पहली बार अगर आए इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर आमतौर पे बात किया जाए इस चीज़ को लेकर कि कब से हम इंतज़ार करने लगते हैं कि अब हमारी डिलीवरी हो जाए और सर्विक्स का मुंह धीरे धीरे स्टार्ट होने लगे। ये बात तब से शुरू होती है जब से आपका सातवां महीना आता है, और ये प्रॉब्लम खासकर हम तब सोचते हैं जब पेट बहुत निकल जाता है। ऐसी समस्या हो जाती है कि सब कुछ मुश्किल, खाना पीना, चलना उठना बैठना, सोना जगना, बस एवरी टाइम आपको यही चीज़ लगता है कि कब डिलीवरी हो जाए। जो बेबी बम्प को आप कैरी कर रहे हो, इसे करते करते बस थोड़ी सी थकान सी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं ना जब प्रेगनेंसी चलती है। सोना भी किस तरीके से होता है, करवट में सिर्फ आप पीठ के बल नहीं सो सकते, पेट के बल नहीं सो सकते, इतने सारे बदलाव होते हैं शरीर के कुछ अंगों में दर्द रहना, हॉर्मोन्स में चेंजेज आना, हम बहुत चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। तो ऐसा मन में ख्याल आना कि बस टाइम से डिलीवरी हो जाए, और वो टाइम है 3 और 6, यानी कि 36 वीक में हम उम्मीद करते हैं। हमारा उम्मीद बिल्कुल खरे उतरेगा। बस पॉइंट्स को जान लीजिए क्या क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर, सातवें महीने के बाद से हमेशा आप गुनगुना पानी पीजिए, और ये गुनगुना पानी कोशिश कीजिए आप रात में ज़रूर पिए। अब कुछ सब्सक्राइबर बोलती हैं कि गर्मियों का मौसम है तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल वाटर दिन में पीजिए, लेकिन रात में गुनगुना पानी पीकर ही आपको सोना होता है। सेकेंड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ये जितने भी मैं बता रही हूँ टिप्स, आपको उपाय जो बच्चेदानी खुलने वाले होते हैं, ये लगभग सभी महिलाओं के लिए सटीक बैठते हैं। आज भी गांव की महिलाएं इन चीज़ों को अपनाकर और सबसे ज़्यादा अपनी नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस जो होती है ना वो बढ़ा लेती हैं। तो सेकंड पॉइंट के अंदर आपको कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा गर्म तासीर वाली चीज़ें लेने का, और कह सकते हैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, खजूर आते हैं, ड्राई फ्रूट्स आते हैं, और भी स्पाइसी फूड भी आप ले सकती हैं। थर्ड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, घी को लेकर बहुत सारी बातें की जाती है हमारे भारतीय परंपरा के अंदर, लेकिन यहाँ पे एक बार मेडिकल साइंस की बात को जानना ज़रूरी है। वो कभी भी नहीं मानते ये चीज़ कि घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा पॉसिबल हुआ है हमारे दादी और नानी के टाइम से। उस टाइम तो सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी ही होती थी। वो लोग क्या करती थी, उनके नुस्खे को यहाँ पे जानिए। सुबह में आधा ग्लास या एक ग्लास दूध के अंदर 1 चम्मच घी लेना है। घी उन्हीं महिलाओं को लेना है जिनको डायबिटीज़ की समस्या नहीं है या बहुत ज़्यादा वेट आपने नहीं किया है। 12 kg 10 kg तक अगर आपने वेट पुट ऑन किया है प्रेगनेंसी में तो आप लीजिए, लेकिन बहुत वेट हो गया है ना तो अब आप घी मत लीजिए, क्योंकि फैट्स ऑलरेडी आपके पास ज़्यादा हो चुके हैं। कहने का मतलब है कि यह आपके लिए रिस्की हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी कराना बढ़े हुए वजन के साथ, तो इस चीज़ को आप आसानी से स्किप कीजिए। लास्ट और फोर्थ पॉइंट ये होता है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड कीजिए, जिससे क्या होगा, ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं आपके हैप्पी रहने से, जिससे नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस होती है वो बढ़ जाती है। मिलती हूँ गाइज आपसे मैं कल की वीडियो में। क्या प्रॉब्लम है आपकी, आप क्या सोच रही है, डेफिनेटली आप मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।